बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं आज पार्लियामेंट का जो टास्क फोर्स SDGs का टास्क फोर्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का जो फोरम है टास्क फोर्स का, जिसमें कि हमारे 29 मेंबर पार्लियामेंट से और 9 मेंबर्स जो हैं वो सेनेट से इसमें शामिल होते हैं, और ये एक ए पॉलिटिकल फोरम है। इसका इनेकाद जो है ये प्रॉपरली कॉन्स्टिट्यूट हुआ 2016 में हमारे एक्स स्पीकर जनाब अयाज सादिक साहब में, और उस टाइम इसकी कन्वीनियर मैडम मरियम औरंगज़ेब साहिबा थी, जो इस वक्त हमारी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहिबा हैं, और इसके साथ साथ पिछले दौर में रियाज फतियाना साहब जो हैं वो इसके कन्वीनियर थे। इस दफ़ा जब 2022 में 2 जून 2022 को जब मुझे इसकी कन्वीनियरशिप और का मौका मिला, तो उसके अंदर जो कुछ हमने काम किए, मैं समझती हूँ कि एक साल और 2-3 माह ऊपर होने के बाद मुझे लगा कि हमें जब कि हर चीज़ इख्तिताम की तरफ जा रही है, तो हमें अपनी रिपोर्ट आप सबके साथ ज़रूर जो है वो शेयर करनी चाहिए, जिसमें मैं क्विकली बताती चलूँ कि 2022 से लेके अब तक जो हमने काम किए पार्लियामेंट के फोरम से, उसमें सबसे पहला फोरम पहली जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो नेशनल मीटअप था, कि जो कि गुज़िश्ता 4 साल के अंदर 2018 से लेके 2021 तक नहीं हुआ था, जिसको फिर हम लोगों ने सबसे पहले, क्योंकि नेशनल मीटअप का मकसद ये होता है कि आप चारों सूबों के साथ मिलकर जो है वो आप उनसे आगाही लेते हैं कि क्या क्या किस सूबे ने काम किया, क्योंकि हम सब जानते हैं कि 18वीं तरमीम के बाद जो है चीज़ें सूबों में डिवाइड हुई। उसके अंदर मैं बताना चाहूँगी कि हम लोगों ने नेशनल मीटअप किया, जबकि पॉलिटिकल हालात उस टाइम हम सब जानते हैं कि जून में पॉलिटिकल हालात जो थे वो काफ़ी ज़्यादा गंभीर भी थे, लेकिन उसके बावजूद मैं ये बात ज़रूर शेयर करना चाहूँगी कि तमाम पॉलिटिकल पार्टी से लोग जो हैं इस फोरम के अंदर आए, और हमने काफ़ी उसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो की, और फैसले भी हुए कि हमें किस तरह से अपना लाइअमल आगे लेकर चलना है, जिसके अंदर जो जिन चीज़ों का इनेकाद हुआ, जिसमें था लोकल गवर्नेंस सिस्टम को बहाल करना, उनके ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी है, जिसके ऊपर SDGs के फोरम ने काम किया, जिस पे मैं आगे बताती जाऊँ। और उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो थी वो ये कि उन दिनों में हम सब जानते हैं कि ना सिर्फ फ्लड्स की बात थी, बल्कि अर्बन फ्लडिंग की बात भी बहुत ज़्यादा थी, जिसमें कि इस्लामाबाद के अंदर पार्लियामेंट के SDGs टास्क फोर्स ने कुछ ऐसे डिसीजंस लिए, काम किया, लुक आफ्टर किया, और साथ साथ फॉलो अप किया यहाँ पे इस्लामाबाद टेरिटरी के साथ, जिसमें कि हमें कामयाबी हासिल हुई, और तब भी मीडिया के हमारे बहुत सारे भाई जो हैं उन्होंने बहुत हमारा साथ दिया। और एक चीज़ जो मैं ज़रूर कहना चाहूँगी वो ये कि हमने कोई भी काम, जो भी काम किया, उसके अंदर मैं बिलखसूस तौर पर मशकूर हूँ अपने उन तमाम मीडिया चैनल्स की, जिन्होंने ना सिर्फ कॉपरेट किया बल्कि इस चीज़ की आगाही में हमारी मदद की। और उस पिछले साल 2022 में इस्लामाबाद जो है वो बिल्कुल फ्लड फ्री रहा, इनफैक्ट कि अगर कहीं पर छोटी मोटी कोई शिकायत आती थी तो फ़ौरन जो है वो एड्रेस होती थी। उसके बाद फॉरेस्ट्रेशन का अमल जो है, जिसमें कुछ लोगों ने धरने दिए और उसके अंदर जो है दरख्तों को जलाया भी गया, हम लोगों ने कोशिश की कि जो जलाए गए दरख्त हैं उनको ना सिर्फ दोबारा से रीस्टोर किया जा सके, और जहां पर जो दरख्त या पौधे जल गए थे उनको दोबारा से लगाया गया, सो वो भी एक मुहिम जो है वो की। उसके बाद इंक्लूसिव प्रोविंसेस के विजिट्स जो हैं हम लोगों ने किए, ताकि जो सूबों में ना सिर्फ हम आंगी लेके आई जा सके, बल्कि जो अगर एक सूबे ने कोई अच्छा काम किया है तो वो जो गैप है बीच में उसको दूर किया जा सके, और हम जो सूबे हैं उनके साथ मिलकर जो है वो काम कर सके। अगर कहीं पे एक अच्छी लेजिस्लेशन आई है हम उसको कैसे आगे लेके चल सकते हैं, किस तरह से काम कर सकते हैं, और किस तरह से एक दूसरे का बाजू और साथ दे सकते हैं। इसके साथ साथ हम लोगों ने लाइफ बिलो द वाटर, यानी कि जो समुंदर की सतह समुंदर के नीचे जो जो हमारे मछलियाँ, इस तरह से तमाम तरह जानवर हैं, उनका हम किस तरह से ख्याल कर सकते हैं, उसमें क्लीनिंग ऑफ द सी जो है वो भी शामिल है। इसके बाद जेंडर मेन स्ट्रीमिंग जो है वो हम लोगों का बहुत बड़ा एक रहा हदफ कि हमने जेंडर मेन स्ट्रीमिंग के ऊपर बात करनी, क्योंकि मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान में पाकिस्तान की बेटियाँ, पाकिस्तान की ख़वातीन और बच्चे बेटे, मेरे भाई बहन जो हैं वो सब लोग इतने स्ट्रांग है कि वी आर गोइंग मोर टूवर्ड्स इक्वालिटी। तो मैं समझती हूँ जब इक्वालिटी की बात आ रही है तो हमें जेंडर मेन स्ट्रीमिंग की बात करने की बहुत ज़्यादा जो ज़रूरत है। उसके बाद हम लोगों ने जो नेशनल
इंटरनेशनल मीटअप किया जिसके बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ कि वो भी एक हमारा बहुत ज़्यादा अहम जो है उसमें जो डिसीजन लिए गए उनके ऊपर फिर हमने स्पीकर कॉन्फ्रेंस की कि हमारे चारों सूबों से जो है स्पीकर्स उनको बुलाया जाए। और यहाँ पर मैं एक बात ज़रूर मैंशन करना चाहूँगी कि जब हम नेशनल मीटअप की बात करते हैं तो हम सिर्फ ये नहीं कहते कि चारों सूबे, हमारी दोनों जो लेजिस्लेटिव असम्बलीज हैं जिसमें आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान, उनको हम लोग साथ साथ लेकर चले हैं। बल्कि हमेशा हमारी कोशिश ये रही है एसटीजी सेक्रेटेरिएट की कि हम उनको प्रेफरेंस जो है वो ज़्यादा दे सकें और हर चीज़ में हम उनको आगे लेकर चलें। इसके साथ साथ मैं आपको बताती चलूं कि हम पाकिस्तान की पार्लियामेंट में पहली दफ़ा ये हुआ कि हमें सक्सेस हासिल हुई अंडर द लीडरशिप ऑफ ऑनरेबल स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ साहब की कि हम लोगों ने पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने पहली दफ़ा आईपीयू इंट्रा पार्लियामेंटेरियन यूनियन को होस्ट किया एशिया पैसिफिक रीजन को। इंट्रा पार्लियामेंटेरियन यूनियन जो है उसमें 192 ममालिक हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं पाकिस्तान में एशिया पैसिफिक की तो 38 ममालिक जो हैं उन्होंने यहाँ पर शामिल हुए और फ्लड्स की जो सिचुएशन थी उसके ऊपर बात की और हम लोगों को कामयाबी हासिल हो सकी कि जो इंटरनेशनल आईपीयू का जो इमरजेंसी एजेंडा था उसके ऊपर पाकिस्तान का जो फ्लड्स का एजेंडा था वो उसके ऊपर था। दो एजेंडे थे जिनमें एक यूक्रेन और रशिया की वॉर और दूसरा पाकिस्तान की फ्लड्स की सूरत हाल, जिसमें पाकिस्तान जो है उसको 600 प्लस यानी कि 750 के करीब जो है वोट हासिल हुए। मैं समझती हूँ कि ये भी एक बहुत बड़ी लॉबिंग थी और ये पार्लियामेंट को एक बहुत बड़ा सहरा जो है वो इस पे जाता है। दूसरा, हम लोगों ने इसके बाद साउथ कोरिया में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया और मुझे बहुत फख्र है अपने मीडिया अपने तमाम तर लोगों के साथ ये बात शेयर करने में कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट को साउथ कोरिया में जब यूएन डीजा के फोरम के ऊपर ना सिर्फ एक्नॉलेज किया गया बल्कि बहुत सारे ममालिक को बताया गया कि ये यहाँ पर कितना अहम जो है पाकिस्तान की पार्लियामेंट किरदार अदा कर रही है। इसके साथ साथ COP27 के अंदर जो कि इजिप्ट में शर्मल शेर में हुआ, मैं ये भी बताती चलूं कि वहाँ पर पाकिस्तान की पार्लियामेंट का जो एसटीजीज टास्क फोर्स था उसने काफ़ी अहम किरदार अदा किए और काफ़ी हद तक अपनी पार्टिसिपेशन जो है वो तमाम तर फोरम्स के ऊपर एंगेज किया। इसके साथ साथ मैं आपको ये बताती चलूं कि पाकिस्तान और चाइना, ऑफकोर्स पाकिस्तान और चाइना एक बहुत कलीदी किरदार है, बहुत अहम रुकन है दोनों, ये एक आयरनी इसको हम मोहब्बत भी कहते हैं। पाकिस्तान ने पाकिस्तान की पार्लियामेंट और ये भी पहली दफ़ा हुआ कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट और चाइनीज़ की पार्लियामेंट के अंदर हम लोग कोलैबोरेशंस की बात कर रहे हैं। ऑनरेबल स्पीकर जो हैं आपने अगर एक पिछले दिनों में देखा हो तो उन्होंने अनाउंस भी किया कि दोनों स्पीकर्स की बाहमी मुशावरत से एक GDI फोरम यानी कि ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स फोरम जो है वो होने जा रहा है। और मैं समझती हूँ कि ये पूरी दुनिया में पहली दफ़ा है कि कोई दो पार्लियामेंट्स जो हैं वो मिलकर SDGs यानी कि ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स जो कि चाइना उनको कहता है और SDGs सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के ऊपर एक वर्किंग ग्रुप ऑफ पार्लियामेंट जो है वो बनने जा रहा है। विद इन 1 or 2 डे उसका नोटिफिकेशन हो जाएगा और मैं समझती हूँ कि ये बहुत बड़ी सपोर्ट होगी और ये अपनी तर्ज में एक पहला वाक्य होगा। इसके साथ साथ मैं आपको बताती चलूँ कि हाई पोलिटिकल फोरम डायलाग्स और यूनिस्कैप के साथ पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने एशिया पैसिफिक के ऊपर कंसोशियम्स की बात की है कि हमें कंसोशियम डेवलप करने हैं ताकि जो दिन ब दिन जो मौसमी तब्दीली की वजह से आफात आती हैं उसमें किस तरह एशिया पैसिफिक रीजन जो है वो एक दूसरे के लिए खड़ा हो सकता है। और इसके साथ साथ कंसल्टेशंस ऑन पब्लिक फाइनेंसेस फॉर चिल्ड्रन उसके ऊपर हमने काफ़ी काम किया, प्लस विजिट ऑफ UN जिसको खैर काफ़ी लोगों ने एक और रंग देने की कोशिश की, लेकिन मैं समझती हूँ कि फ़ख्र है ये बताते हुए कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट को UN प्रेसिडेंट ने ना सिर्फ एक्नॉलेज किया, वो एक्नॉलेजमेंट मेरे लिए नहीं थी, वो मेरे मुल्क की थी, वो मेरे पार्लियामान की थी, जिसको काफ़ी उसके ऊपर जो है वो अप्रिशिएट किया गया। लास्ट बट नॉट लीस्ट मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगी कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने 2022 और 23 के अंदर जो सबसे बड़ा इनिशिएटिव लिया कि अवाम के लिए पार्लियामेंट के दरवाज़ों को खोला, हमने देखा बच्चे बड़े सब लोग जो हैं उन्होंने इसमें हिस्सा लिया। मेरे दाएँ बाएँ जानेब जो मेरे भाई कह रहे थे कि आप एक्साइटमेंट शो करिए, मुझे खुशी इस बात की है कि हमारे पास
हर जो मकतबा फ़िक्र है वहाँ से ना सिर्फ लोग आए इंटर्नशिप करने के लिए, और ये नॉन पेड इंटर्नशिप थी जिस पे मेरे आज पार्लियामेंट के पास हमारे पास जगह नहीं है, हमारे पास इतने बच्चे जो हैं वो माशाल्लाह आते हैं और ये सब वॉलंटियरली काम कर रहे हैं, और ना सिर्फ पीएचडी लेवल से लेके ओ लेवल्स ए लेवल्स तक, बल्कि मैं यहाँ पर ज़रूर कहना चाहूँगी कि एक इंतहाई नन्ही बच्ची जो कि 9 साल की उम्र की बच्ची थी, उसका नाम फातिमा बिनत इमरान है, उसने हमारे साथ इंटर्नशिप की और उसने प्रेजेंटेशन भी दी इसके साथ साथ, हमारे पास ये सिलसिला जो है वो चल रहा है, और दे ऑल आर विलिंगली पढ़े लिखे बच्चे जो कि काम करना चाहते हैं। आखिर में ना सिर्फ मैं, सबसे पहले मीडिया का, क्योंकि मैं समझती हूँ कि जो एसडीजीज है इससे बड़ा कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है। पीएमएलएन क्योंकि मैं रिप्रेजेंट करती हूँ अपनी जमात को, मैं उनकी भी मशकूर हूँ और कि उन्होंने मुझे ये इस लायक समझा, और प्लस राजा परवेज अशरफ साहब जो कि हमारे पार्लियामेंट के ऑफकोर्स कस्टोडियन हैं, उनके अतमाद और अपने तमाम तर मेंबर्स के अतमाद के बगैर ये काम नहीं मुमकिन हो सकता था। उसके साथ साथ जो मेरी टीम है, महरीन अली, अजरा साहिबा, नूर और हमारे तमाम बच्चे, भट्टी साहब, इर्शद साहब, और उसके साथ साथ जो पार्लियामेंट के स्पेशल इनिशिएटिव्स डिपार्टमेंट है, जो सैयद शामून साहब जो हैं वो उसको लीड कर रहे हैं, और उनके तमाम तर स्टाफ ने बहुत मुझे सपोर्ट किया, क्योंकि ये मैं ये बार बार इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये प्रॉपर वॉलंटियर काम था। इसमें ना तो हमारे पास फंडिंग थी, लेकिन मैं ये समझती हूँ वेयर देर इज़ अ विल देर इज़ अ वे, और इसके साथ साथ जो हमारा स्पेशली पार्लियामेंट का सोशल मीडिया और मीडिया विंग है, जिसको जफर साहब जो है वो हेड करते हैं, जिन्होंने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है उसको भी ऑर्गेनाइज किया है, उसको उनके लिए भी मैं बहुत बहुत ना सिर्फ उनकी तमाम तर टीम की मशकूर हूँ, क्योंकि इस वजह से क्योंकि सोशल मीडिया और मीडिया की रीच के बगैर कोई चीज़ भी अचीव करना मुमकिन जो है वो नहीं है। और आखिर में मैं ये कहती चाहूँ कि हमारा कल जो है एक इम्पॉर्टेंट इवेंट हो रहा है, जिसको हम क्लोजिंग सेरेमनी भी कह सकते हैं, जिसके अंदर जो हमने 2 जून को जब मैंने चार्ज लिया था और नेशनल मीटअप जो हमारा हुआ था, उसके अंदर एक चीज़ जो हम लोगों ने जो सबसे बड़ा गैप था वो ये था कि लोकल गवर्नेंस सिस्टम का बहाल होना, क्योंकि पूरी दुनिया में तभी आपको कामयाबी और तरक्की मिल सकती है कि अगर आप अपनी लोकल अथॉरिटीज़ जो हैं उनको एम्पावर करते हैं। उसके लिए कल हमारा क्लोज एक इवेंट है जिसमें तमाम सूबों से लोग जो हैं वो आ रहे हैं, स्पेशली लोकल गवर्नेंस सिस्टम जो है उनसे जो एक्सपर्ट्स हैं, ना सिर्फ वो आ रहे हैं बल्कि तमाम तर पॉलिटिकल जमातों से हमने लोगों को जो है वहाँ पर मदु किया है, और मैं आप तमाम मीडिया के चैनल से गुजारिश करूँगी कि आप लोग ज़रूर आएँ और उसको ज़रूर जो है वो हमारे मुल्क के लोगों के सामने मीडिया चैनल्स पर लेकर आएँ, क्योंकि पाकिस्तान का मैं माजरत के साथ एक ज़रूर कहना चाहूँगी कि हमारा एक बहुत बड़ा आलमिया ये रहा है कि बाज़ औक़ात हमारी जो अर्जेंट चीज़ें हैं वो इंपॉर्टेंट चीज़ों को कवर कर जाती हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं, जो तरक्याती अहदाफ हैं, वो आपके और हमारे एक दूसरे के तावुन के बगैर मुमकिन नहीं है, और मेरे ख्याल में इससे बड़ा सियासी एजेंडा और कोई नहीं है। शुक्रिया।